भारत वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है और इसी दरमियान आप सबको बता दूं कि 59 रनों से भारत ने वेस्ट इंडीज को चौथा टी20 मैच हरा दिया है। इसी बीच भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए और साथ ही साथ 191 रन बनाने के पीछे आज ऋषभ पंत का भी हाथ है, रोहित शर्मा का भी हाथ है, तो संजू सैमसन का भी हाथ है, लेकिन कोई भी प्लेयर 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। तो दिखाते इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टीम इंडिया ने फ्लोरिडो के लॉर्ड हिर्न में खेले गए 14 टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 59 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 191 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज़्यादा 44 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 33, संजू सैमसन ने 30 रन बनाए हैं। जवाब में कैरिबियन टीम 19.1 ओवर में 132 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। कप्तान निकोलस पुरन और रोमन पवाल ने सबसे ज़्यादा 24 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। आवेश खान, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। पांचवा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पहले बैटिंग करने वाली टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा 16 गेंद में ही 33 रन बना डाले। वहीं उनके जोड़ीदार सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 24 रन निकले और तीसरा विकेट दीपक हुड्डा के रूप में गिर गया। वहीं 29 गेंद पर 21 रन बनाकर के वह आउट हुए। पंत हाफ सेंचुरी से चूक गए। उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया और 6 चौके भी जमाए। अक्षर पटेल ने आखिरी 2 ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी की और उन्होंने 8 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन बनाए। दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन कल निराशाजनक रहा। वे 9 गेंदों पर सिर्फ 6 रन ही बना सके। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।